अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुहमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज 25 दिसंबर है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसके अलावा 25 दिसंबर दो हवालों से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आज लीडर ऑफ़ द नेशन, फादर ऑफ़ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जना की बर्थडे है, और दूसरा ये कि आज क्रिसमस है। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और सिटी 42 की जानिब से तमाम मसीही बहन भाइयों को मैरी क्रिसमस। और आज हम क्रिसमस की जो खुशियां हैं वो बांटने के लिए अपने मसीही बहन भाइयों के साथ सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च आए हैं, और यहां पर इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अपना क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इनको क्या गिफ्ट्स मिले हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, किस तरह से इन्जॉय करते हैं। तो लोगों की जानिब बढ़ते हैं, इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आज क्रिसमस है और इस वक्त हम सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च में हैं और यहाँ पर क्रिश्चियंस बहन भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक हैं, और इस वक्त मेरे साथ आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। थैंक यू, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। आज हम बड़ी खुशी के साथ, बड़ी शादमानी के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ अपने मुल्क में क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं। इबादत हो रही हैं, रात को भी इबादत हुई, अभी भी 8 बजे से सिलसिला जारी है। और हम सब जहां क्रिसमस की खुशियाँ मना रहे हैं, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, सलामती हो, तरक्की हो, इस्तेकाम हो, और खुदा हमारे मुल्क के सरहदों की हिफाजत करें। इसलिए हमने फौज पाकिस्तान के लिए, तमाम सिक्योरिटी इदारों के लिए दुआ की है, अपने वज़ीर आज़म के लिए, सदर के लिए, अदलिया के लिए, और हमने आज एक खसूसी तौर पर कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी दुआ की है कि वो भी अपने मुल्क में आज़ादी हासिल करें और आज़ादी के साथ हमारी तरह खुशियाँ मनाएं। आमीन, खुशियाँ मुबारक हों और पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया है क्रिसमस के इस मौके पर। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर सारा दिन प्रेयर्स करवाते हैं, आप खुद क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस का डिनर किस तरह से करते हैं, और ये अपनी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, क्रिसमस के डिनर में तो बहुत सारी चीज़ें असल में आती हैं, तो सारी चीज़ों का यहाँ बयान करना शायद मुश्किल हो, लेकिन खुसूसी तौर पर क्रिसमस केक जो है वो मशहूर है। क्रिसमस केक देना, लेना, शेयर करना, और खुसूसी तौर पर इन दिनों में हमने वो खवातीन, जो बेशुमार खवातीन जो बेवा थी, उनको स्पेशल राशन दिए, बच्चों को कपड़े अता किए, तो ये खुशियों का सारा हिस्सा है। और खाने तरह तरह के, खुसूसी तौर पर लाहौर में तो पाए, गाजर का हलवा। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे गाजर का हलवा ज्यादा पसंद है। जी जी, ये सीजन भी है, सीजन की सौगात भी है। और एक और चीज़, 25 दिसंबर से पहले यानी 24 दिसंबर कल रात यहाँ पे बहुत गहमा गहमी थी, तो वो ज़रा हमारे साथ मनाजिर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सब इकट्ठे थे, गिफ्ट्स भी दिए गए, तो आप क्या मौजूद थे उस टाइम और वो क्या रौनक थी इस चर्च में रात के टाइम? मैं बहुत खुश हूँ कि कल रात को 11 बजे नमाज शुरू हुई, और ये इबादत का एक प्लान है कि हम इबादत 11 बजे शुरू करें और 12 बजे तकरीबन नमाज मिड पर आ जाती है और घंटियाँ बजती हैं, तो सब एहसास हो जाता है कि अभी हमने पुराने साल के लिए यानी पुरानी ईदों के लिए शुक्रिया अदा किया है, नई ईदों के लिए खुदा से फजल मांगेंगे और यीशु मसीह की पैदाइश मनाएंगे। और जिसके लिए भी हम सबसे पहले यही दुआ करते हैं कि जब नए साल, जब सूरज चढ़े, तो पूरी दुनिया में अमन व सलामती हो, अपने मुल्क में अमन व सलामती हो। और हम खुशी तौर पर दुआ करते हैं कि यीशु मसीह, क्योंकि अमन के शहजादे हैं, वो हमारे दिलों को भी अमन बख्शे, और हमारे दिलों में जो भी कोई नफरत हो, हसद हो, बदला लेने की आग हो, वो सारी ख़त्म करे। आमीन। और थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया खुसूसी गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस टू यू। क्या नाम है आपका? थैंक यू, मेरा नाम हुमा गिल है, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें वेलकम किया, क्योंकि ये एक आज हमारा अमन का पैगाम है और बहुत खुशी का दिन है, स्पेशली हम सब मसीही बरदरी के लिए, के खुदावन ने हमें अपने ना इस चरनी में पैदा होकर एक अमन का पैगाम दिया। सही। और मुझे ये बताएं हुमा, आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करती हैं? अभी तक आपको कोई गिफ्ट मिला? गिफ्ट तो वैसे बहन भाइयों ने काफ़ी दिए हैं, लेकिन यहाँ पे आके खुदा के पास ब्लेसिंग करके ना, तो जो ये स्पेशली गिफ्ट है हमारे लिए सबसे बड़ा। सही। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि क्रिसमस पर कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, सेंटा क्लॉज हो गया, गिफ्ट्स हो गए, क्रिसमस का डिनर, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मुझे ये बताएं, आपको पता है सेंटा क्लॉज के 2 और नाम भी हैं, वो क्या हैं? नहीं, सॉरी नहीं पता। अच्छा, क्रिसमस ट्री के टॉप पर
کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ پہ اسٹار لگایا جاتا ہے, اور یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک امن کا چمکتا ہے کہ یہاں پہ خدا کا نا یسو خدا یسو مسیح کی پیدائش ہوئی ہے. اور نہیں وہ ڈپکٹ کس کو کرتا ہے وہ اسٹار؟ اس چیز کو بلیو کرتا ہے. پیغام تو وہ امن کا دیتا ہے نا, امن کا دیتا ہے کہ ہمارے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ویسے وہ اینجل ہوتا ہے ٹاپ پر؟ ہاں جی اینجل ہوتا ہے. تھینک یو. ویل بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. فور ٹائل کی طرف سے یہ گفٹ آپ کو دینا چاہوں گی. بہت بہت شکریہ. میری کرسمس ونس اگین. ہیلو میری کرسمس اینڈ واٹس یور نیم؟ مائی نیم از زین الدین. زید یا زین؟ زید. زید زید آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کافی کچھ کرتا ہوں لیکن مارننگ میں جاب اور ساتھ بی کام پارٹ ٹو. بی کام پڑھ بھی رہے ہیں اور جاب بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں آج کرسمس ہے, کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کرسمس پر, اور آپ کو ابھی تک کوئی اسپیشل گفٹ ملا؟ مجھے اسپیشل گفٹ یہ دوست ہی مجھے ملا ہے مارننگ میں آ کے, اس نے مجھے ہیپی کرسمس کہا تو مجھے کافی اچھا لگا تو اس نے مجھے اس طرح سے ملا ہے. ایکچولی آج کا اتنا رواج نہیں رہ گیا اب ان لوگوں کو, کرسچینٹی کو کافی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. نو کس نے کہا بری نظر سے دیکھتے ہیں لوگ؟ ہم نہیں دیکھتے. آپ نہیں ہوں گے. نہیں نہیں آپ کا میرے خیال میں آپ نے غلط سنا ہے. کوئی ایک آدھے کی اگر اوپینین ہو تو وہ ہم سب پر تو نہیں لاگو کر سکتے کہ سب کی سوچ یہ ہے. کرسچنز ہمارے بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں ان میں, اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے آج ہم ان کے ساتھ ان کی خوشیاں بانٹنے کے لیے اس وقت چرچ میں آئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں ابھی تک کوئی اسپیشل گفٹ نہیں آپ کو ملا؟ نہیں اب تک تو کوئی نہیں ملا. انتظار میں ہے کہ شاید مل جائے. ایدی شیدی کسی نے دی, آپ نے کسی کو دی؟ نہیں میں نے بھی نہیں. دان نائی ظاہر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اچھا اور ڈنر آج کیسا کرنے کا ارادہ ہے؟ کوئی اسپیشل چیز بن رہی ہے ڈنر میں؟ بھی بار بھی کیوں ہوگا چھت پہ, تو وہ کافی انجوائے کریں گے ہم ساتھ دوست وغیرہ کر کے مل کے تو کریں گے. اچھا زید مجھے یہ بتائیں کہ کرسمس ٹری بڑا امپورٹنٹ ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے میں. سب سے پہلے اس کو سجایا جاتا ہے اور اس کو بہت گفٹ سے سجایا جاتا ہے, لائٹس بلب بڑا کچھ ہوتا ہے نا, اور اس کے بغیر کرسمس ناممکن ہے. لیکن یہ جو کرسمس کو سجا ٹری کو سجانے کا رواج تھا یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا پتہ ہے؟ کس ملک سے ہوا تھا؟ کیوں نہیں پتہ؟ اسٹارٹڈ فرام جرمنی. یو شوڈ نو. I don't know about it. Okay, well, thank you so much. اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کرسمس انجوائے کیجیے. بہت بہت شکریہ. اور اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی ہے, ان سے بھی بات کروں گی. ہیلو السلام علیکم اینڈ میری کرسمس. سیم ٹو یو. تھینک یو. کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب میرا نام ہے. اور آپ کا؟ یہ سب آپ کے بچے. کیا نام ہے آپ؟ لائبہ. آئزک. شگفتہ. یہ آپ کی مسز ہیں. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں آپ اس وقت چرچ میں ہیں, پریئر اٹینڈ کر لی یا اس سے اگلا والا سیشن اٹینڈ کرنے والے ہیں؟ نہیں نہیں ہم نے پریئر کر لی ہے, ہم لوگ فیملی کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا اچھا فیملی کا ویٹ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کرسمس کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیا اسپیشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کرسمس کے دن؟ پہلے تو خدا من کو یاد کیا جاتا ہے, پریئر سینٹر پہ آتے ہیں, پریئر کرتے ہیں, چرچ میں آ کے پریئر کر کے اپنے جو گزرے ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں جو ہیں فیملی کے ممبر ان کے لیے دعا کرتے ہیں, پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, اور خاص کر کے آج جو لیکچر تھا ہمارا پرے کا وہ کشمیر بھائیوں کے لیے تھا, بہن بھائیوں کے لیے تھا. بشپ صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بھی خصوصی دعا کی. خصوصی دعا ہی ان کے لیے تھی کہ خدا ان کی مشکلوں کو بھی حل کرے, ان کو پریشانیوں سے نکالا جائے, اور اس کے بعد آگے پھر اپنے بہن بھائیوں کی طرف جاتے ہیں. آپ کرسمس پر سب سے اچھا کیا بناتی ہیں اور کیا آپ کی اسپیشلٹی ہے کرسمس پر؟ ایک ہوتا ہے نا کہ میں ادھر آ جاتی ہوں, اس مطلب یہ فیسٹیول ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی اسپیشل چیز ایک لاسٹ میں بنتی ہے. آپ کیا بناتی ہیں؟ گاجر کا حلوہ زیادہ تر ہوتا ہے. پسند ہے آپ کو؟ جی بہت. اور اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ گجریلا بن جاتا ہے, کھیر بن جاتا ہے. میٹھے کا بتا رہی ہیں نا, نمکین میں بتائیں گے, مجھے نمکین پسند ہے. اچھا بریانی بھی بناتے ہیں, زیادہ نمکین زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بچے بھی اور وہ ساتھ. صحیح. اور آپ کے ہسبینڈ ہیلپ کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی. یہ بھی تھوڑی تھوڑی, انہوں نے صرف ایویں ہی کہہ دیا, کرتے کرتے کوئی نہیں ہے نا. نہیں نہیں کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, کرتے. صحیح. اور آج آپ خوش ہیں؟ بہت زیادہ خوش ہیں. زیادہ خوش ہیں. اس دن کے لیے تو کب سے تیار انتظار کر رہے ہو؟ مہندی نہیں لگائی آپ نے؟ نہیں. کیوں؟ بچوں کو لگائی ہے بس. صحیح. اچھا مجھے آپ میں سے اگر کسی کو اس کا جواب آتا ہے, جو کرسمس ٹری ہوتا ہے اس کے ٹاپ پر ایک اسٹار ہوتا ہے اور وہ کسی کو شو کرتا ہے کس چیز کو, امن کا پیغام تو دیتا ہے لیکن وہ کس کا سمبل ہے؟ پاکستان پرچم کا بھی ہے تو دوسرا یہ. نہیں میں ٹری کی بات کر رہی ہوں, کرسمس ٹری کی. اس کے اوپر ایک اسٹار ہوتا ہے ٹاپ پر, کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے کی آمد کی خوشی میں لگایا جاتا ہے, ان کی آمد ہوتی ہے. وہ اینجل کو شو کرتا ہے. اینجل
अच्छा एंजल को कह रहे हैं, एंजल को भी शौक, एंजल मतलब टॉप पर जो सिंबॉलिकली वो एंजल को रिप्रेजेंट करते हैं। वेल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये रहा फोर टाइल का गिफ्ट आप लोगों के लिए, इन्जॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये बहन भाई हैं मेरे साथ, इनसे बात करूंगी। हेलो मेरी क्रिसमस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा। निशा, और आपका नाम? शहरयार। शहरयार और निशा, निशा का मतलब क्या है? निशा का मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत। रिस्पेक्ट, इज्जत। आप करती क्या निशा? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, बी ए इन इंग्लिश। बी ए इंग्लिश करनी? और आप? जी मैं भी बी ए कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। सेम एज? जी सेम एज। यस, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा डिफरेंस। जी थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इस वक्त चर्च में आए हैं, प्रेयर कर ली हैं, अभी नेक्स्ट सेशन में जाना? नहीं नहीं, हमने कर लिया, अभी हम लोग 10 बजे वाले में आए थे तो अभी तो हम फ्री हो गए हैं। अच्छा, वगैरह एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, पिक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। कितनी पिक्चर्स ली अभी तक? काफी ज्यादा, मेरे तो भाई मुझसे तंग आए हैं कि बस कर दो, इतनी पिक्चर्स क्यों ले रही हो। और आप बताएं, आप कितनी पिक्चर्स लेते हैं? मैं तो इनकी पिक्चर्स ले रहा हूं तब से। आपकी नहीं कोई लेता? नहीं, ये ज्यादती है, लिया करें पिक्चर। जी जरूर। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल रात आपको कोई गिफ्ट मिला? कल रात? अभी आज मिला? मेरे जो मामा पापा हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देते हैं, यानी कि यही मेरी जो शॉपिंग है वो तो मेरी शॉपिंग से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं कि एक्सपेंसिव है ये सब कुछ, बस। That's right. और आपके भाई ने आपको ईदी शीदी पैसे जैसे कुछ नहीं? जाकर देंगे। आपने इनको ज़्यादा ईदी देनी है, आजकल जो 500-1000 से कुछ नहीं बनता, ठीक है, उनका एक जोड़ा भी नहीं आना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि आपने देखा आप दोनों ने सेम ड्रेस पहने हैं। ये मैंने नोट कर ली थी ना, आई वाज अबाउट टू से दिस, मेंशन करने वाली थी मैं कि हमारे जो कपड़े हैं वो भी सेम है, स्टफ भी सेम है, कपड़ों का स्टाइल थोड़ा सा अलबत्ता डिफरेंट है, ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसलिए से ज्यादा देंगे क्योंकि मैं इनकी इकलौती बहन भी हूं। अच्छा इकलौती बहन है? दो भाइयों की एक बहन। सही, तो फिर अब तो एक्स्ट्रा ज्यादा देनी है ना? जी अब तो ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। सही है। अच्छा एक टांग ट्विस्टर करें, ठीक है। क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, क्रिस क्रिंगल क्लैप्स, वेट वेट वेट, क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, क्रिस क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी। अच्छा मुझे बताएं क्रिस क्रिंगल कहते किसको है? आप बताएं। क्रिसमस का एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है, उनका एक और उसका चीज का एक और नाम भी है। क्रिसमस ट्री? नहीं, सेंटा क्लॉज। यस, सेंटा क्लॉज के दो नाम है, और एक क्रिस क्रिंगल और एक सेंट निक, ठीक। अच्छा क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, क्रिस्पी दो तीन दफा क्रिस्पी। वेल बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा फोर टाइल का गिफ्ट आपके लिए, थैंक यू सो मच। और अभी एक और फैमिली मेरे साथ है, इनसे भी बात करूंगी। हेलो मैरी क्रिसमस टू यू। टू यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा विकी। विकी, और आपका? लीजा। कैथरीन। कैथरीन, विकी एंड लीजा, ये आपके बच्चे हैं? मेरे ब्रदर के बेटे। अच्छा आपके भाई, आपके अपने बच्चे? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। अच्छा आप अभी, आपकी शादी नहीं हुई, चलें आज के दिन हम आपके लिए दुआ करते हैं आपकी जल्दी जल्दी शादी हो जाए, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये देखा, मैं मेरी तरह से क्रिसमस गिफ्ट आपके लिए, मैंने आपको दुआ कितनी अच्छी दी। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी आप चर्च में आए हैं, कैसे यूजुअली क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? पूरा दिन आपकी एक्टिविटी क्या होती हैं, और उसके बाद जो डिनर एक स्पेशल किस्म का होता है उसमें आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या खाना पसंद करते हैं, स्पेशली फर्स्ट हमारा प्रे होती है, उसके बाद हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, यानी कि फैमिलीज के घर, उनसे मिलते हैं, उन्हें विश करते हैं, फिर उसके बाद बच्चों वगैरह को लेके ईदी शीदी देते हैं। जी बिल्कुल। क्यों, आपको ईदी मिली है? जी। कितनी? 1000। और आपको? 500। अच्छा छोटे होने का नुकसान और बड़े होने का फ़ायदा, 500 और 1000। चले आपने दी? जी मैंने भी, छोटे भाई ने भी, बड़े ने भी, सब ने दी। और आपको खुद क्या गिफ्ट मिला? मुझे ये गिफ्ट ही है मेरे। ये आपके गिफ्ट ही हैं, और प्लस मैंने आपको एक एडिशनल दुआ दे दी, इतनी अच्छी, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि आज आप क्या खाने का आपका दिल है रात को डिनर में? रात को डिनर में फिश। कौन बनाएगा? घर में मम्मा। सही हो क्या? चलिए एक टंग ट्विस्टर है वो करते हैं, देखते हैं कौन सही कर लेता है। क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, यार बड़ा मुश्किल है वैसे आज। क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी, क्रिप्स क्रिंगल क्लैप्स क्रिप्स, नहीं क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी,
क्रिस्प क्रिंगल क्रिस क्रिंगल क्लैप्स क्रिस्पी क्रिस क्रिंगल क्लैप्स वेल थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहसिन. और आपका नाम? शालोम दाऊद. शालोम दाऊद, क्या मतलब है इसका? सलामती. सलामती. आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे थे? आपने क्यों मैं नहीं बात करूंगा, तो मैंने इनको कहा आप साथ आके खड़े हो जाएं, मुझे पता था मैं खुद ही बात कर लूँगी. फेमस पर्सनैलिटी हूँ ना, तो इस वजह से. फेमस पर्सनैलिटी है इसलिए बात नहीं करना चाह रहे थे, हमने फिर फेमस पर्सनैलिटी को पकड़ लिया. बस ऐसे ही हाल, फेमस पर्सनैलिटी ने फेमस पर्सनैलिटी को पकड़ लिया. ये भी है. मुझे ये बताया आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मोस्टली हमारा ना नाइट भी और डे भी ज़्यादातर चर्च में गुजरता है, उसके बाद शाम की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं लाइक फैमिली का डिनर, सिनेमा वगैरह, मूवीज़ वगैरह. आज कोई मूवी देखना कह रहा था? कौन सी? रात को चाहेंगे, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी लगी हुई है, देखते हैं जो अच्छी लगेगी. जो अच्छी लगी होगी आप देख लेंगे. और डिनर किस टाइम करेंगे और क्या करेंगे? डिनर तो मूवी के बाद ही करेंगे. क्या? वही जो मोस्टली होटल से होता है. अच्छा, बाहर से ही खाना है. चलें, घर वालों को वक्त नहीं डालना कि ये बनाएं ये बनाएं. वो ऑब्वियसली पहले ही बनाओ. क्या बनाओ? अभी आते हुए क्या खा क्या? अभी पाई खा के. वाह, वंडरफुल. अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिला क्रिसमस? नहीं, वो तो है, ये तो आपके रिलेशनशिप्स हैं, बड़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन कोई एक स्पेशल गिफ्ट? ये गिफ्ट है. और आपको? ये मेरे पापा ने दिए थे, ये मेरा सबसे मेरा फर्स्ट गिफ्ट था मेरे पापा का. अच्छा, पैदा हुए और आज तक इतने सालों में पहला गिफ्ट? नहीं, वो दिए हैं, ये मेरे क्रिसमस पे मेरा फर्स्ट गिफ्ट, जो उन्हें पहला गिफ्ट मिला मेरे पापा की तरफ से. मैंने आप किसी को ईदी दी? कितनी? मैं भी आज आपकी बहन बन. मुझे 1000 रुपया. मैं तक नहीं आवे तुझे ती कर आवे, मैनू तेरे मिलन दा चा सांवलावे, छेती कर शामा पे गया. बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिसमस एंजॉय कीजिए, ये रहा 4 टाइल का गिफ्ट आपके लिए, थैंक यू सो मच. बहुत क्यों आपको पकड़ना मना है? ठंड बहुत है, जेब से हाथ बाहर निकालने का दिल नहीं. हाँ. सर्दी है तो पॉकेट के अंदर ना हीटर लगवा है. अभी आप बात नहीं कर रहे थे. कोई नहीं, बहने कर ली, बहने कर ली. वेल थैंक यू सो मच, शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस. थैंक यू सो मच. क्या नाम है आप? मेरा नाम समीन है. थैंक यू सो मच, आपने मुझे भी इन रिटर्न का शुक्रिया. और आपका नाम? चांद. चांद आपका नाम. आप दोनों आपस में क्या लगते हैं? ये भाभी है मेरी. और ये आपके देवर हैं? जी, ये मेरे देवर. अच्छे वाले देवर हैं यहाँ? बहुत अच्छे. बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे आए हुए हैं सब. इनके नखरे उठाती हैं? हाँ, कभी कभी. ड्यूटीज हैं हमारी, तो वह जितना टाइम मिलता है हम. ड्यूटी क्या मतलब? जॉब पे वो जाते हैं, रात को आते हैं, तो बस. आज आप इनको फिर स्पेशल क्या बना के खिला रही हैं? मैं आज इनके लिए खीर बना के आई हूँ, और सुबह केक काटा था वो इनको सर्व किया है, और अभी हम लोगों ने वो कबाब का सालन बना के रख के आए हैं दोपहर के लिए. आपके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं. थैंक यू सो मच. और आप बताएं आप क्या करते हैं? मेरा है स्टिचिंग का, मैं बुटीक में होता हूँ. मुझे कपड़े स्पॉन्सर कर देंगे आप मैं रिपब्लिक में होता हूँ, आप डिज़ाइन बताएं हम कर देंगे आपको. देखिए, ऑन एयर डीलिंग कर ली. वाह वाह वाह. अच्छा मुझे ये बताएं आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करती हैं? रात को हम 24 है उसमें रात को हम जाते हैं चर्च, जाते हैं वहाँ पे इंजॉयमेंट होती है, खाना वगैरह सब कुछ, प्रे करते हैं. उसके बाद मॉर्निंग में सबको विश करते हैं, चर्च आते हैं इबादत के लिए, देन हम बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ले जाते हैं. सही. मुझे ये बताएं अभी तक कोई गिफ्ट मिला आपको? हाँ. क्या? सूट, परफ्यूम्स और शॉल. आपके देवर ने आपको क्या दिया? इनका तो अपना बुटीक भी है, जोड़ा भी दे सकते थे. अभी रिसेंटली शादी गुजरी तो उन्होंने तब हम सबको जोड़े लेके दिया. तो अभी क्रिसमस का तो अलग होना चाहिए था. वो अभी ड्यू है. वो ड्यू है.
और ये आपके लिए सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? पाए बहुत अच्छे बनाते हैं और खीर भी बहुत ज़्यादा अच्छा, और काफ़ी कॉफ़ी वगैरह भी बहुत अच्छा बना लेते हैं, बहुत अच्छा में ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आपके देवर हैं और अनमैरिड हैं जी, उनके लिए कोई लड़की शड़की ढूंढ रही हैं? ढूंढ ली हुई है। चलेंगे तो फिर अच्छी बात है, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। बिल्कुल फिर आप अच्छी भाभी हैं ना। बिल्कुल अच्छी। बहुत ऐसा लगा आपसे बात करके। मुझे ये बताएं, जो क्रिसमस ट्री होता है उसके टॉप पर क्या होता है? स्टार। और वो स्टार किस चीज़ का सिंबल होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, जब वो पैदा हुए थे तो स्टार ने मजूसियों को और डिफरेंट लोगों को गवाही दी थी कि एक खुदावंद पैदा हुआ है जो कि हमारा मनजी निजात दहिंदा है, वो इसको शो करता है। सही। और जो स्टार है वो एंजल एंजल को डिपेक्ट करता है। ऐसा ही है। वेल थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये रहा 4 tile का गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नौशी। नौशी, आप यहाँ क्रिसमस के लिए आई हैं, प्रेयर के लिए आई हैं जी? अभी अगले सेशन में जाना है या अंदर से हुआ है? अंदर जाना है अभी जाना है। मुझे ये बताएं, कल रात को आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिला? जी नहीं, अभी नहीं मिला। किसी ने भी नहीं गिफ्ट दिया? नहीं, हस्बैंड ने दिया। क्या दिया? पैसे। पैसे, कितने पैसे? 200। 200 दिया, सही। जो गिफ्ट होते हैं ना, चाहे छोटा सा भी हो, पैसे थोड़े से भी, लेकिन वो इम्पोर्टेंस बड़ी होती है जी। सही। और ये आपके बच्चे हैं आपके, समझो ये बताएं, आज आप स्पेशल डिनर अपनी फैमिली को क्या करवाने वाली हैं? मेहमान आने लगे हैं तो क्या बनाएं आप? अभी तो घर में ला कर रखा है, बनाना है अभी तो। क्या बनाएंगी? देखें क्या बनाते हैं। फिश भी है, चिकन भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। सही। और मुझे ये बताएं, क्रिसमस वाले पूरे दिन आप क्या करती हैं? किचन में टाइम गुजरता है? हाँ, किचन में टाइम गुजरता है। वैसे फिर फैमिली वालों के साथ मिलती मिलाती कम है, और किचन में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं? किचन में ज़्यादा टाइम हो जाता है। सही। और मुझे ये बताएं कि जो क्रिसमस ट्री होता है उसके टॉप पर जो एक स्टार होता है वो किस चीज़ को डिपेक्ट करता है, क्या शो करता है? क्रिसमस का स्टार? स्टार क्रिसमस ट्री के ऊपर एक स्टार होता है टॉप पर। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आज क्रिसमस है, 25 दिसंबर है, और हम इस वक्त सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल चर्च में, और यहाँ पर जो क्रिश्चियन ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे चैट कर रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि वो अपना जो क्रिसमस है वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम यहाँ शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद वापस आके कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद अब कुछ और लोगों के पास चलेंगे और पूछेंगे उनसे कि वो क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और आज वो कितने खुश हैं। तो एक बार फिर लोगों की जानिब चलेंगे, लेट्स गो। और अभी मेरे साथ एक फैमिली है, इनसे बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड मैरी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। और मैरी क्रिसमस टू यू। सेम टू यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मिसेज मंजूर। और आपका नाम? जोजम सिंह। सही। मुझे ये बताइए, आपके क्या लगते हैं? ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ देवर। कैसे हैं देवर? अच्छे हैं? अच्छे हैं। कितने नखरे आप इनके उठाती हैं? बस मैं इनसे प्यार करती हूँ। सही। और ये आपकी कितनी बातें मानती हैं? बहुत। घर में बाप के बाद मेरी चलती है। बात बड़े भाई की, मतलब वो कम इंटरेस्ट लेते हैं, मैं ज़्यादा लेता हूँ। आपकी अथॉरिटी है घर में, लेकिन आप इनको साथ लेकर चलते हैं जी? सही हो गया। मुझे ये बताएं कि प्रेयर अटेंड कर ली, अभी आप नेक्स्ट सेशन में जाने वाली हैं? अभी जाने वाले हैं। मुझे ये बताएं कि क्या गिफ्ट मिला आपको कल रात को? पैसे मिले हैं, खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, बच्चों ने इंजॉय किया है, फिश खाई है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके देवर हैं, इन्होंने आपको कुछ दिए पैसे जैसे? ईदी शीदी बच्चों की ईदी है। आपकी नहीं दीदी? मुझे इन्होंने प्यार किया है बड़े होने के, छोटे लगे नाते इन्होंने मुझे दवा दी है, इनको मैंने दवा दी है। सही। ईदी मिलनी चाहिए थी आप उनको? मैंने थी नहीं है, मैं बड़ी हूँ। नहीं, लेकिन फिर भी भाभियाँ जितनी मर्जी बड़ी हों, लेकिन वो एक देवर का मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और लड़कों का ऐसा देना बनता है। ठीक। मुझे ये बताएं कि आपको क्या गिफ्ट मिला? मुझे इनकी तरफ से दुआएं मिली हैं, पैसे मिले हैं, माँ बाप की तरफ से दुआएं मिली हैं। और ये बताएं कि आज क्रिसमस का डिनर क्या बनने वाला है आपके घर पे? हमारे चिकन कढ़ाई बनाएंगे, बिरयानी है, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बस बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों के लिए 4 tile का एक गिफ्ट हैम्पर है जो आपको देना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
और अभी मेरे साथ एक फैमिली है, इनसे बात करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। थैंक यू। और आपको भी मैरी क्रिसमस। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है। और आपका नाम? मिसेस शहबाज। सही। ये आपके हस्बैंड है, आपके हस्बैंड ने आपको क्या शॉपिंग करवाई? सब बच्चों के लिए करवाई, हमारी अपनी करवाई। और बहुत ईदी नहीं दी अभी तक? नहीं दी, दुआ के बाद देंगे। अच्छा, दुआ के बाद ईदी देंगे। आप कितनी ईदी देने वाले हैं? मैं इनको 100 है, बस 100। इतनी महंगाई के दौर में सिर्फ 100 में आता क्या? मुझे जो सैलरी मिलती मैं सब कुछ इनको ही दे देता हूँ, ये खुद ही करती हैं, मैं बल्कि इनसे ईदी लेता हूँ। अच्छा, आपने इन्होंने आपको क्या ईदी? 1000। ये पहले मियाँ बीवी देखे हैं जो हस्बैंड जो है वाइफ से ईदी ले रहे हैं, मतलब लिटरली उन्होंने आपको 1000 ईदी दी और आपने इनको दे दी 1000, खुद 100 ले लिया। बस ऐसे ही होता है। फिर तो आपने 900 ईदी दी, 100 तो आपने खुद ले लिया। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्रिसमस डिनर में आज क्या बनाएंगे? आज घर में कौरमा बनाएंगे और बस बना लिया, सब कुछ बना कर आएंगे। तो स्वीट्स है, केक वगैरह होता है। सही। और इस तरह से आप अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करती हैं। सही। और आपको खाने में क्या पसंद है इनके हाथ का? मुझे तो दाल सब्जी पसंद करता हूँ। वैसे आज इन्होंने कौरमा बनाया, मजबूरन खाना पड़ेगा। मजबूरन? इतनी मजबूरी क्या? नहीं, जो भी है घर में जो बना होता है वैसे। शामी कबाब भी बनाए इन्होंने, घर में फ्रूट्स भी हैं और स्वीट बहुत अच्छी बनाई इन्होंने, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी बनाया है, वो अभी हम खा के हैं। बाकी लंच हम घर जाके चर्च के बाद करेंगे। बहुत शुक्रिया और क्रिसमस एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। क्या नाम है आपका? शहराज। और आपका नाम? मारिया किरण। कोमल। महक। महक, कोमल, मारिया और शहराज, आप सब बहन भाई? जी जी, बहन भाई। आप तीन बहनों के इकलौते भाई हैं? जी। सही। तो फिर बहनों को क्या ईदी दी? ईदी ईदी मुझे मिलेगी तो मैं इनको भी दे दूंगा। क्या मतलब मुझे मिलेगी तो इनको भी दे दूंगा? मुझे नहीं ना मिली ना। कितनी ईदी मिलती है आपको? ईदी मैक्सिमम टोटल बताऊं ना, 8000 प्लस हो जाती है। तो फिर बहनों को कितनी देनी है? 500। सही। पहले देते हैं कभी? पहले हाँ देता हूँ, हर साल देता हूँ। हर साल देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्रिसमस का कोई स्पेशल गिफ्ट जो अभी तक आपको मिला हो? स्पेशल गिफ्ट अभी तक तो फिलहाल, अभी कहीं पर जाएंगे उसके बाद ही सब कुछ है ना। सही। चर्च आए हैं इस वही, अभी चर्च के बाद आप जब रिलेटिव से मिलने शिलने जाएंगे तो तब आपको गिफ्ट मिलेगा। मुझे ये बताइए, आपके इकलौते भाई हैं, चार या तीन बहनों के इकलौते भाई हैं ना ये, तो इनके नखरे शखरे उठाते हैं या खींच के रखा हुआ? नहीं, बहुत नखरे तो बहुत इसके उठाते हैं। इनके नखरे बताएं कोई एक दो। जिद करना हर चीज़ पे, यानी कि अच्छी बातें भी हैं इस पे। बस इसी। सही। कोमल, कोमल आप बताओ, आप कौन सी क्लास में? 6। और आप? 7। अभी तक कोई गिफ्ट मिला आप लोगों को या आप लोगों को भी नहीं मिला? नहीं मिला, अभी जाएंगे उसके बाद है अभी। चाहे। और मुझे ये बताएं कि डिनर में क्या बन रहा है आज? कोरमा। कोरमा वगैरह सबके साथ, अभी नानो घर जाएंगे उसके बाद फिर टिक्के वगैरह का प्रोग्राम वगैरह होगा। और आपको खाने में क्या पसंद है? खीर। खीर आपको पसंद है और आप इस तरह से अपनी जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को फोर टाइल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर देना चाहूंगी। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और गिफ्ट अभी तक आ जाए, आ जाए, आ जाओ। और ये गिफ्ट आ गया, फोर टाइल की तरफ से गिफ्ट आपके लिए। और आप लोग क्रिसमस एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। और अभी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है और इस फैमिली के माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स थे और हमारा फ्रेम छोटा पड़ गया तो फिर हमें आधे लोगों को फ्रेम से आउट करना पड़ा, लेकिन बहुत लाइवली फैमिली है, बड़ा मज़ा आ रहा था इनसे पहले भी बात करके। और अस्सलाम वालेकुम, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू यू टू। थैंक यू। और मैरी क्रिसमस आपको भी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मिसेज अतीका लियाकत। और आपका नाम? सुहेल शरीफ। सही। आप दोनों आपस में क्या लगे? हम बहन भाई हैं दोनों। बहन भाई हैं दोनों। और जो बाकी सब थे वो कौन थे? वो भी मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरे भाई थे, भाभी थी, चाची जान थी, पूरी फैमिली थी। आप जैसे कह रहे हैं बहुत ज्यादा लोग थे। हाँ, और सब लोग हमेशा से हर साल मिलकर चर्च आते हैं, मिलकर प्रेयर करते हैं। हाँ जी, हम हर साल ऐसे ही आते थे, लेकिन आज मैं तकरीबन 9 के बाद दोबारा पाकिस्तान आया हूँ फैमिली के साथ क्रिसमस करने के लिए। 9 बाद आप पाकिस्तान आए हैं, इतना लंबा गैप क्यों?
بس وہ کچھ پرسنل سرکمسٹانسز ایسے تھے, مصروفیات ایسی تھی کام کے سلسلے میں, اور خداون نے اب یہ موقع دیا ہے کہ پاکستان آ کے فیملی کے ساتھ اس کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کیا جائے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا, آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی اسپیشل گفٹ آپ کو ملا کرسمس کا؟ جی بالکل, بہت سے گفٹس ملے ہیں, بھائی بھی لے کے آئے. بھائی نے کیا دیا؟ پرفیوم دیا ہے, اور عیدی ملی ہے مجھے. عیدی کتنی ملی؟ 5000. واہ, 5000, زبردست. اور مجھے یہ بتائیں 5000 کا آپ نے کرنا کیا؟ ابھی سوچوں گی, ابھی میں نے اور اتنی کی ہے. اچھا, یہ آپ کے بچے ہیں؟ جی میری بیٹی ہے. ان کو کتنی دی؟ ان کو بتائیں, مامو نے کتنی دی دی آپ کو؟ کتنی دی ملی؟ 1000. تو بچوں کی دی بھی آپ رکھیں؟ ان کو شاپنگ کروا دوں گی کچھ. اور کرسمس پر جو اسپیشل ڈنر ہوتا ہے, اس میں آپ کوئی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں؟ آپ کوئی کوکنگ شوکنگ؟ نہیں, میری بھابھی کوکنگ کریں گی آج, اور سارے کھانا مل کے کھائیں گے. صحیح. اور آپ کی بھابھی سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ سب کچھ, ان کی کوکنگ بہت اچھی ہے. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے کھانے میں بہت کچھ پسند ہے, کیونکہ میں نے پاکستان کے ہوم میڈ کھانے جو ہیں 9 سال سے مس کیے ہیں, تو اب جو کچھ بھی بنتا ہے تو بہت شوق سے کھاتا ہوں. کیا بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. یہ رہا 4 ٹائل کا ایک گفٹ آپ کے لیے, اور ایسے تھینک یو سو مچ, شکریہ, تھینک یو. ساتھ ایک فیملی ہے, ان سے بھی بات کروں گی. السلام علیکم, میری کرسمس, کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, میرا نام جویریا ہے. جوئس, 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 جوئس. کیا مطلب ہے جوئس کا؟ خوشی. خوشی. اور آپ کا نام؟ مسز سلیم. آپ نے اتنا سوچ کے کیوں کہا مسز؟ ویسے تھوڑی کنفیوز ہوگی. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کرسمس آپ یہاں پر سیلیبریٹ کرنے آئی ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی پریئر میں پریئر اٹینڈ کرنی ہے یا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کرسمس کا کوئی اسپیشل گفٹ ابھی تک ملا ہے؟ ابھی تک تو نہیں, عیدی وغیرہ ملی سب سے, چاچو وغیرہ اور سب ریلیٹیو سے. اور کتنی عیدی کٹی ہوئی ابھی تک؟ ابھی تک تو 2000 کی کٹ ہوئی ہے بس. اور کتنی اور ملے گی, ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ ابھی تو کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں, ریلیٹیوز آئے ہیں. صحیح. اور آپ کو بھی عیدی ملی یا صرف آپ نے بانٹی؟ جی جی, میرے بھائیوں نے مجھے دی, میرے ہسبینڈ نے دی. بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کرسمس کا مطلب ہی یہی ہے کہ خوشیاں بانٹنا. صحیح ہو گیا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈنر میں, کرسمس کا جو اسپیشل ڈنر ہوتا ہے, آپ کی اماں سب سے مزے کا کیا بناتی ہیں؟ آپ کو ہمیشہ جو کھانے میں بڑی چیز پسند ہو؟ بریانی, قورمہ, ایز یوزول جو گھر میں ہوتا ہے. آپ سب سے اچھا کیا بناتے ہیں؟ ابھی تو فی الحال سویٹ ڈش بنائی ہے, اور بچے کو, سب کو بہت پسند آئی ہے. صحیح ہو گیا. آپ نے ہمیں کوئی گانا سنانا تھا, سنا. دل دیا گلا کراں گے نال نال بہ کے, اکھ نال اکھ نو ملا کے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. یہ رہا 4 ٹائل کا گفٹ آپ کے لیے, تھینک یو سو مچ, شکریہ. تو یہ تو تھا آج کا اسپیشل پروگرام, اور آج ہمارے تھے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ, اور یہاں پر ہم نے جو ہمارے کرسچنز بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے, اور ان سے جانا, لوگوں سے جانا کہ وہ کس طرح سے کرسمس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کو کیا کیا گفٹس ملے ہیں, اور وہ آج کے دن کتنا خوش ہیں, کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. آئی ایم شیور یہ ڈفرینٹ پروگرام اور یہ جو اسپیشل پروگرام تھا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے اسپاٹ پر وتھ سم نیو اسٹف. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, اینڈ بائے.